प्रदेश के 75 जिलों में एक भी घटना नहीं हुई। दरअसल फैसले के मद्देनजर पुलिस ने व्यापक तैयारी की थी। 8 नवंबर की रात जब इसकी जानकारी हुई कि अगले दिन सुबह 10:30 बजे फैसला आने वाला है, जिसके बाद डीजीपी से लेकर थाने और बीट स्तर पर पुलिस मुस्तैद हो गई और मोर्चा खुद डीजीपी ओपी सिंह ने संभाला। डीजीपी ने आगरा से ही अधिकारियों को फोन पर निर्देश देने शुरू कर दिए और पुलिस गश्त बढ़ा दी गई। इसके अलावा सोशल मीडिया पर रात से ही निगरानी रखी गई। वहीं फैसले वाले दिन सीएम योगी खुद इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की कार प्रणाली जानने यूपी 112 पहुंचे। इस पूरी कवायद का परिणाम रहा कि प्रदेश में उस दिन अपराध का आंकड़ा शून्य रहा। डीजीपी मुख्यालय को एक बार तो इन आंकड़ों पर विश्वास नहीं हुआ और जिलों से चेक कराने के बाद दोबारा आंकड़े मांगे गए तो भी यही आंकड़ा आया, जिससे सभी हैरान दिखे। आगरा प्रशासन नोएडा में होमगार्डों की ड्यूटी लगाने के नाम पर हुए खेल के बाद अब हरकत में आ गया है। आपको बता दें कि होमगार्डों की ड्यूटी लगाने के नाम पर अनियमितता की आशंका जताई गई है, जिसके बाद एसपी आगरा मामले में जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि आगरा में तकरीबन 1500 होमगार्ड तैनात हैं, जिनमें से कुछ की फर्जी ड्यूटी लगाकर उससे बनने वाले वेतन को अधिकारी अपने जेब में रख लिया करते थे, जिसकी सूचना पाते ही एसपी आगरा ने उच्च अधिकारियों की कमेटी बनाकर जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। जौनपुर में देव दिवाली के पर्व पर शाहगंज के बौलिया घाट पर देव दीपावली दीपोत्सव नजारा देखने को मिला। दीपोत्सव को देखने के लिए हजारों की संख्या में नागरिकों का हुजूम उमड़ पड़ा। वहीं 11,000 दीपों से पूरा घाट को सजाया गया। बता दें कि माना जाता है कि देवता गण आज के दिन स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी लोक में आकर दीप उत्सव मनाते हैं। इस कार्यक्रम में हिंदू बंधुओं के साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सोनभद्र में कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली के दिन प्राचीन शिवाजी तालाब पर लगभग 25,000 दीप प्रज्वलित किए गए। साथ ही वाराणसी से आए पंडितों ने विधि विधान और मंत्रोच्चार से गंगा आरती की। इस दौरान सभी श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। बता दें कि दुधी शिवाजी तालाब पर करीब 5 सालों से भव्य देव दीपावली का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आयोजन दुधी राजस्व संघ की तरफ से किया जाता है। बता दें कि इसकी शुरुआत तत्कालीन तहसीलदार जितेंद्र सिंह ने की थी। वहीं दुधी में निर्मित संकटमोचन मंदिर भी आकर्षक झालरों से सजाया गया है और हजारों दीप जलाए गए। देव दीपावली के दिन नगरवासियों ने भी घर पर मिट्टी के दीयों को जलाया और पूजन अर्चन किया। वहीं इस दौरान शिवाजी तालाब पर स्वर्णकार संघ ने मनोरम झांकियां निकाली और राधा कृष्ण के गायन के साथ मनोरम नृत्य कर लोगों को आकर्षित किया। सोनभद्र के अनपरा थाना के अनपरा पावर प्लांट डी में अज्ञात कारणों से आग लग गई। जानकारी के मुताबिक 1000 मेगावाट की अनपरा डी की यूनिट नवंबर 7 के टरबाइन जनरेटर में आग लगते ही तेज ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होते ही आग लगने से पूरे परियोजना में अफरा तफरी मच गई और आपको बता दें कि टरबाइन जनरेटर में आग लगने से करोड़ों रुपए की क्षति होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल अधिकारी अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वहीं आग लगने से कारणों का भी पता नहीं चल सका है।
बिजनौर थाना कोतवाली शहर के सिविल लाइन क्षेत्र में स्टेट बैंक के पास एक कॉम्प्लेक्स के बेबी शोरूम किट्स में बीती रात अचानक आग लग गई। आग लगने से शोरूम में बच्चों से संबंधित रखे खिलौने और अन्य चीजें जलकर खाक हो गए। अगली सुबह दुकान मालिक को आग लगने की सूचना मिली। सूचना पर स्वामी ने पहुंचकर देखा तो पूरा शोरूम जलकर राख हो चुका था, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वहीं दुकानदार मोहित देसवाल ने बताया कि पता चला है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से लकड़ी के गत्तों में आग लग गई और शोरूम में रखा बच्चों के खेलने का सामान पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि समय रहते फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया, नहीं तो आसपास की दुकानों में भी आग लगने की संभावना जताई जा रही थी। बिजनौर से सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां चोरी के इरादे से मकान में घुसा चोर पूरी तरह से झुलस गया, जिससे गंभीर हालत में मेरठ रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक जिले के बास्टा इलाके में बीती रात बंद पड़े मकान का ताला तोड़कर एक चोर चोरी के इरादे से घर में घुस गया। जिस कमरे में चोर घुसा था उस कमरे में पोटास गंधक विस्फोटक सामग्री रखी थी। कमरे की तोड़फोड़ होने की वजह से कमरे में विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना भयंकर था कि चोर लगभग 80% बुरी तरह झुलस गया। फिलहाल चोर की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। वहीं इस पूरे मामले में इलाके के लोगों का कहना है कि आए दिन चोर घरों में चोरी कर रहे हैं, जिससे हम सभी परेशान हैं। मेरा नाम सुनील दत्त शर्मा। ये बेसिकली 3-4 दिन पहले भी जो यहाँ पे लोग आए थे, पीछे जो है ताले वाले तोड़ने का प्रयास किया गया। जी जी। पीछे का दरवाजा भी खुला हुआ था जी, और आसपास पड़ोसियों में सबको मैंने बताया इस चीज़ के बारे में कि यहाँ पे जो है ये चोरी करने का प्रयास किया गया है। आसपास सभी लोगों को बताया, यहाँ पे जो और लोग हैं लोकल लोग हमको बताया। नहीं, इसकी सूचना पुलिस को इस करके नहीं दी थी कि ये जो है इन्होंने सामान इधर उधर किया था, लेकिन कुछ सामान लेके नहीं गए थे। तो जब इस तरह का जो कुछ सामान लेके नहीं गए, तो मुझे ये आवश्यक नहीं लगा कि भाई ये जो है जैसे उसको बताया जाए। लेकिन कल ये जो है एक घटना बड़ी हुई है यहाँ पे पूरा। अब ये लोग क्या लेके आए थे, सिलेंडर फटा है या क्या हुआ है, ये तो शोध का विषय है जी, देखने वाली बात। लेकिन ये पूरी एक साइड की बिल्डिंग उड़ गई है जी। अब देखिए इस पर क्या होता है, कैसे होता है। बाराबंकी के कोठी क्षेत्र में एक विवाहिता का शव घर में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटकता मिला। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, साथ ही मामले की जांच में जुट गई। वहीं इस मामले में विवाहिता के परिजनों ने सीओ से हत्या की आशंका जताई है, साथ ही एसपी से न्याय की गुहार भी लगाई है। आगरा के जगनेर थाना क्षेत्र में पति की शर्मनाक करतूत सामने आई, जहां पति ने पत्नी और बच्ची पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे पत्नी और बच्चा दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया, जहां डॉक्टरों ने पत्नी की हालत नाजुक बताई है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बता दें कि पति ने पत्नी से देह व्यापार कराने की कोशिश की, इसका विरोध करने पर पति और उसके दोस्त ने पत्नी और बच्ची पर चाकुओं से हमला कर दिया। तो आपको बता दें कि अपनी ही पत्नी से देह व्यापार को मजबूर किया पति ने ही, और जब पत्नी ने इसका विरोध किया तो अपने ही दोस्त के साथ अपनी ही बच्ची और अपनी ही पत्नी को धारदार हथियार से हमला कर लहूलुहान कर दिया। शाहजहांपुर के ढाई घाट मेले में गंगा नदी में डूबने से एक फायर ब्रिगेड कर्मी मोहम्मद आरिफ की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब नहाने के दौरान ही गंगा गहरे पानी में चला गया, जिससे उसकी डूबकर मौत हो गई। सूचना मिलते ही आनन फानन में आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी और मामले की जांच में जुट गई। वहीं इस घटना की खबर मिलते ही परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया है।
फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद इलाके में एक युवक को उधारी के पैसे मांगना महंगा पड़ गया, जहां उधारी के रुपए मांगने पर दबंगों ने पीड़ित युवक को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने घायल को आगरा रेफर कर दिया। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। फिरोजाबाद में बाइक सवार कुछ युवकों ने रोडवेज बस से साइड ना मिलने पर फायरिंग कर दी, जिससे रोडवेज बस चालक घायल हो गया। वहीं घटना से सवारियों में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में पुलिस को इस मामले की जानकारी दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चालक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बाद आरोपी बाइक सवार फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक रोडवेज बस चालक का कार सवारों से साइड ना देने पर विवाद हुआ था। विवाद के चलते बस रुकवाकर चालक को नीचे खींच लिया गया और जमकर पीटा, उसके बाद फायरिंग कर दी। अभी सूचना आई थी लगभग 1.25 घंटे पहले कि कटपोरी टोल से पहले एक फायरिंग हुई है। वहाँ पर कुछ युवक युवकों ने एक रोडवेज बस चालक, जो कि ओरिया डिपो की बस थी, उसके चालक पर फायरिंग की है। उसमें पता किया गया और चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया CSC पर। चालक के पीठ से गोली रगड़ती हुई निकल गई है, तो चालक खतरे से बाहर है, कोई भी दिक्कत नहीं है और उसके थोड़ी सी ब्लैकनिंग है पीठ पर। इसके अलावा बाकी हम ट्रेस कर रहे हैं इनका। घटना जो हुई थी ये जैन मंदिर पर, पहले इनकी लड़ाई झगड़ा हुआ था कुछ साइड को लेके, फिर उसको फॉलो करते हुए लोग पीछे आए, फिर टाटा मोटर जो डबराई पर है वहाँ पर भी दोबारा कहा सुनी हुई। फिर इसके बाद इन्होंने अपने कुछ साथियों को बुलाया जो अभियुक्त हैं, और इन्होंने अपने साथियों को बुलाकर इनको कटपुरी टोल से पहले रोका, जहाँ पर की मारपीट हुई और उसी में गोली चली है, जो कि गोली उस पर पीठ को छूते हुए निकली है। किया जा रहा है कौन लोग हैं क्या लोग हैं, हम जल्दी इसको ट्रेस कर लेंगे और उपयुक्त धाराओं में मुकदमा दर्ज। बहुत विश्वास भी है। बोल क्लब आजाद है तेरे, बोल जबां अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल की जान तक तेरी है। बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म ज़बां की मौत से पहले, बोल की सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। इंडिया वॉच से जुड़िए, सिटीजन जर्नलिस्ट बनिए। जरा जोर से कहिए, मैं भी जर्नलिस्ट। इंडिया वॉच तक अपनी स्टोरी पहुंचाने के लिए स्मार्टफोन से तस्वीर खींचिए, अपने शब्दों में अपनी स्टोरी लिखिए, खुद भी सेल्फी मोड में जाइए और अपनी बात बुलंद आवाज में कह डालिए। सब कुछ हमारे व्हाट्सएप नंबर 8423399999 पर भेज दीजिए। हाँ, अपना नाम, पता, फोटो और स्थान लिखना मत भूलिएगा। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर, अब हर खबर आपके मोबाइल पर, सब्सक्राइब नाउ। दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर, अब हर खबर आपके मोबाइल पर, सब्सक्राइब नाउ। बोल क्लब आजाद है तेरे, बोल जबां अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल की जान तक तेरी है। बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म ज़बां की मौत से पहले, बोल कि सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। इंडिया वॉच से जुड़िए, सिटीजन जर्नलिस्ट बनिए। जरा जोर से कहिए, मैं भी जर्नलिस्ट।
इंडिया वॉच तक अपनी स्टोरी पहुंचाने के लिए स्मार्टफोन से तस्वीर खींचिए, अपने शब्दों में अपनी स्टोरी लिखिए, खुद भी सेल्फी मोड में जाइए और अपनी बात बुलंद आवाज में कह डालिए। सब कुछ हमारे व्हाट्सएप नंबर 8423399999 पर भेज दीजिए। हाँ, अपना नाम, पता, फोटो और स्थान लिखना मत भूलिएगा। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर। अब हर खबर आपके मोबाइल पर। सब्सक्राइब नाउ। दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर। अब हर खबर आपके मोबाइल पर। सब्सक्राइब नाउ। बोल क्लब आजाद है तेरे, बोल जबां अब तक तेरी है। तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल की जां अब तक तेरी है। बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म जबां की मौत से पहले। बोल की सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। इंडिया वॉच से जुड़िए, सिटीजन जर्नलिस्ट बनिए। जरा जोर से कहिए, मैं भी जर्नलिस्ट। इंडिया वॉच तक अपनी स्टोरी पहुंचाने के लिए स्मार्टफोन से तस्वीर खींचिए, अपने शब्दों में अपनी स्टोरी लिखिए, खुद भी सेल्फी मोड में जाइए और अपनी बात बुलंद आवाज में कह डालिए। सब कुछ हमारे व्हाट्सएप नंबर 8423399999 पर भेज दीजिए। हाँ, अपना नाम, पता, फोटो और स्थान लिखना मत भूलिएगा। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर। अब हर खबर आपके मोबाइल पर। सब्सक्राइब नाउ। दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर। अब हर खबर आपके मोबाइल पर। सब्सक्राइब नाउ। बोल क्लब आजाद है तेरे, बोल जबां अब तक तेरी है। तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल की जां अब तक तेरी है। बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म जबां की मौत से पहले। बोल की सच जिंदा है अब। योगी सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद सूबे में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। ताजा मामला मैनपुरी के बरनाहल थाना क्षेत्र का है, जहां एक मंद बुद्धि किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई, जहां नाबालिग को 20 रुपए का लालच देकर युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया और नाबालिग को रक्त रंजित बेहोशी की हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्रीय नेताओं ने पीड़ित परिवार पर राजीनामा का दबाव बनाया, साथ ही पीड़ित परिवार को धमकी दी गई, अगर रिपोर्ट दर्ज कराया तो गांव में नहीं रह पाएगा। वहीं मामला मीडिया की नजर में आने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। हमारी बच्ची के सर ले गया पकड़ के, वो राजेश भैया के दमाद है उसकी। अच्छा। राजेश भैया के दमाद है बोली गई। उन्होंने इसके नगी कपड़ा पड़ा निकल नंगू करके इसके मुंह बांधे, मुंह में दावे लाओ, मुंह दावे गलत काम करके आए कि हमारी लड़की ने, हमारी लड़की को बताओ, हमें ना बताओ। अच्छा। हमारी सियानी बच्ची थी, उसे उसकी माँ थी ने, मेरी तबीयत खराब थी, हम बीमार हैं। जब उस मेरी घर से आई गई वे तो हम थाने गए तो मेरी सुनवाई ना हो रही थी। बांदा में खदान शुरू होते ही अवैध खनन और ओवरलोड ट्रकों की धमाचौकड़ी शुरू हो जाती है, जिस पर प्रशासन अंकुश लगाने के लिए छापेमारी शुरू कर देता है। ओवरलोड और अवैध बालू माफियाओं पर एक बार फिर जिला प्रशासन की गाजगिरी है, जहां सदर एसडीएम क्षेत्राधिकारी आलोक मिश्र और खनिज अधिकारी ने टीम बनाकर मटोंग थाना क्षेत्र के अंतर्गत भूरागढ़ रोड पर अचानक देर रात छापेमारी कर 35 ओवरलोड ट्रकों पर कार्रवाई की। दरअसल जनपद में लगभग एक दर्जन मोरंग की खदान संचालित है, जिसमें रात होते ही सड़कों पर ओवरलोड ट्रकों की धमाचौकड़ी शुरू हो जाती है। प्रशासन को सूचना मिली कि भूरागढ़ से होते हुए ओवरलोड ट्रक लगातार निकल रहे हैं। इस सूचना पर बांदा के खनिज अधिकारी एसडीएम सदर और सीओ सिटी की संयुक्त टीम ने रात को गिरवा क्षेत्र में छापेमारी की।
मैनपुरी की बरनाहल थाना क्षेत्र की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बदमाश एक ट्रक में गौवंश को लादकर उनको तस्करी के लिए ले जा रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर छापेमारी की और 5 गौवंश तस्करों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने मौके से एक ट्रक और एक कार तमंचा और 2 कारतूस बरामद किए हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने पकड़े गए 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर उनको जेल भेज दिया है। महोबा शहर में पैसों के लेन देन को लेकर दबंगों ने व्यापारी पर पिस्टल से फायर झोंक दिया। व्यापारी ने किसी तरह जान बचाकर कोतवाली की गश्त मोबाइल टीम को घटना की सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पकड़े गए आरोपियों की तलाशी के दौरान पुलिस ने 32 बोर का एक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया है। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली इलाके के मारकुंडी घाटी में एक बाइक सवार 2 पुलिसकर्मी गिरकर घायल हो गए। घायल अवस्था में एम्बुलेंस के माध्यम से दोनों पुलिसकर्मियों को जिला अस्पताल ले जाया गया। घायल पुलिसकर्मियों में एक कांस्टेबल और दूसरे एसआई बताए जा रहे हैं। हालांकि जिला अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है, जान को स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। ये भी बता दें कि इनकी ड्यूटी जुगैल थाना क्षेत्र में अयोध्या मामले पर आने वाले फैसले को देखते हुए लगाई गई थी, जहां से यह वापस अपने कैंप ऑफिस के लिए जा रहे थे और रास्ते में यह दुर्घटना हो गई। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच। सत्ता जहां मौन साध जाए, अंधी हो जाए।